हेलो एंड वेलकम टू इकोधरा। मैं प्रणीता और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंसेस के बारे में। पिछले एक वीडियो में मैंने अपने रूल्स या प्रिंसिपल्स बताए थे जिनको मैं फॉलो करती हूँ, जिनकी वजह से कुछ पैसे बच जाते हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो मैं करती हूँ जिनकी वजह से पैसे बच जाते हैं या मेरा फाइनेंशियल चीज़ें अच्छी रह जाती है। जब भी मैं पैसे बचाने के बारे में सोचती हूँ तब मैं पहले सोचती हूँ कि मेरा खर्चा कहाँ पे होता है। तो खर्चे में या कॉस्ट में देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारा रेंट, ईएमआई, हम मेड को देते हैं वो पैसे, या खाने की चीज़ें, या दूध का सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, ये सब चीज़ें बोल सकते हैं कि हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट है जिनको चेंज करना थोड़ा मुश्किल है या उसके लिए बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और बाकी की जो सारी कॉस्ट है वो है मोस्टली वेरिएबल कॉस्ट, मतलब हमारी शॉपिंग, बाहर खाना या फिर बाकी के सब्सक्रिप्शंस और छोटी मोटी ऐसी चीज़ें। जब भी कॉस्ट कम करनी है या पैसे सेव करने हैं तो इट इज़ ईजी टू डू इन द वेरिएबल कॉस्ट। शॉपिंग के बारे में तो मैं एंड में बात करूँगी क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऑलरेडी शॉपिंग के बारे में बताई है। आज हम बात करते हैं शॉपिंग छोड़ के बाकी कुछ चीज़ें मैं करती हूँ जिनमें पैसा बच जाता है। मैंने ये देखा है कि जिस दिन हम सब्ज़ी लेकर आए उसी दिन अगर हमने पूरे हफ्ते का मील प्लान बना लिया कि हम लंच में क्या बनाएंगे और डिनर में क्या बनाएंगे, बहुत सारा टाइम सेव होता है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता और बाहर का खाना भी बहुत कम हो जाता है। ईटिंग आउटसाइड इज़ अ सेलिब्रेशन। हम लोग हफ्ते में एक बार बाहर का खाना खाते हैं, वो चाहे कुछ भी हो, कोई नया रेस्टोरेंट ट्राई करना हो या कहीं से डिलीवरी मंगानी हो या कोई हमें जो अच्छा लगा है उसी रेस्टोरेंट में वापस खाना हो, कुछ भी हो सकता है। पर अगर हम उस चीज़ को एक ऐसे सेलिब्रेशन की तरह या कुछ ऐसी चीज़ दैट वी लुक फॉरवर्ड टू, इस तरह से ट्रीट करते हैं, और क्योंकि हमें पता है कि हम लोग हफ्ते में एक ही बार बाहर का खाएंगे, तो कभी अगर ज़रूरत भी पड़ी या बहुत बोर हुआ, खाना बनाना नहीं है, फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं, अगर हमने आज मंगा लिया तो हम उस दिन अच्छे से मज़े लेके खा नहीं पाएंगे, तो हम कुछ ना कुछ बना के खा ही लेते हैं। तो इस तरह से हमारा पैसा सेव हो जाता है। लिमिट स्नैक्स दैट आर कमिंग टू योर होम। मुझे तो स्नैक्स, चिप्स वगैरह खाने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट मेरे हस्बैंड को ये चीज़ें बहुत पसंद है और वो कभी कभी जाके लेके भी आ जाते हैं काफ़ी बार। तो हम लोगों ने अब क्या किया है, क्योंकि हेल्थ के लिए भी ये अच्छी चीज़ नहीं है और वैसे भी इतना सारा प्लास्टिक भी मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए हम लोगों ने ये फिक्स कर लिया है कि एक हफ्ते में एक चिप्स का पैकेट या एक स्नैक्स का पैकेट हम लोग लेके आएंगे। कभी कभी उतना भी नहीं लाया तो भी ठीक है, पर एक हफ्ते में एक से ज़्यादा पैकेट नहीं आएगा। नेक्स्ट है शेयरिंग द सब्सक्रिप्शंस। अब अगर हमारे पास नेटफ्लिक्स है और नेटफ्लिक्स हम जानते हैं कि चार लोग यूज़ कर सकते हैं या चार डिफरेंट अकाउंट्स हो सकते हैं, तो एक घर में चार क्यों यूज़ करने हैं, हम लोग किसी और के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं, पैसे भी बच जाएंगे, या आपके बचेंगे या उनके बचेंगे, या शेयर कर तो दोनों के बचेंगे। डिक्लटर थिंग्स दैट आर नॉट नीडेड। जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए या हमारे घर में ऐसे ही पड़ी है, अगर आप उन चीज़ों को निकाल सकते हैं या फिर बेच सकते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि उससे आपके कुछ पैसे आपके पास आ जाते हैं, आपके घर से भी क्लटर चला जाता है और पैसे भी आ जाते हैं। अगर आपको बुक्स पढ़ना वगैरह पसंद है तो आप उसको रेंट भी कर सकते हैं। लाइब्रेरीज तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा और आपके पास आप सारी बुक्स पढ़ भी सकते हैं जिस टाइप की चाहिए। हम जो भी चीज़ खरीदते हैं हमेशा ये सोचते हैं कि इसका लाइफ टाइम कॉस्ट क्या है वर्सेस इसका अभी मैं उसके लिए कितने पैसे दे रही हूँ। मतलब या तो आप क्वालिटी वाली चीज़ खरीद लीजिए या फिर एज एन एग्जांपल सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन देख लीजिए। अगर मैं एक कप मेंस्ट्रुअल कप 1000 रुपये का भी खरीद रही हूँ तो भी मुझे वो 10 साल अगर चलने वाला है तो मुझे मेरे पैड्स के हर महीने के 300-400 रुपये, मतलब इतने सारे पैसे अपने आप कम हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ चॉइसेस हमने करी है जिसकी वजह से हमारा हर बार का खर्चा थोड़ा थोड़ा कम होते गया है। हम बाकी सारी बहुत छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं जिनसे काफ़ी हेल्प हो जाती है। जैसे पता है हमारे बुज़ुर्ग या बड़े लोग हमें बोलते थे कि अगर हम रूम में नहीं है तो लाइट या फ़ैन बंद कर दीजिए, अगर पानी का टैप करेक्टली बंद करो, अगर हाथ धो रहे हैं बीच में पानी नहीं यूज़ कर रहे तो उसको बंद करना चाहिए। गीज़र अननेसेसरीली ऑन रख के भी हमने अगर नहाए नहीं तो भी वेस्टेज है। ऐसे सब चीज़ें हम एनर्जी सेविंग कर सकते हैं या हम पानी सेव कर सकते हैं, ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है और हमारे बिल्स के लिए भी। मैं कुछ चीज़ें DIY करती हूँ, मतलब जैसे मेरा फेस वॉश है जिसको मैं कभी आज तक मैंने नहीं खरीदा पिछले 4-5 सालों में, मैं हमेशा उसको बना देती हूँ 4-5 पाउडर्स मिक्स करके, जिसका मैंने वीडियो भी अपलोड किया है पहले, मैं इसकी लिंक इधर दे दूँगी।
इसी की वजह से क्या होता है, थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं, वो एक साइड बेनिफिट है एक्चुअली, वो मेरी स्किन के लिए मुझे बहुत काम आया है। और ऐसे अगर आप कुछ चीज़ें DIY करते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। मुझे लगता है मेरे लिए एक बड़ा फ़ायदा ये है कि आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक, तो इन चीज़ों में जो भी डेली का खर्चा है वो मेरा पूरा कम हो जाता है। हफ्ते में कहीं बाहर जाना हो, पब में जाना है, ये सब चीज़ें मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती हैं, उनमें मुझे उतना मज़ा नहीं आता, इसकी वजह से मेरे ऑलरेडी पैसे ऐसे ही बच जाते हैं। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, चाहे 2 घंटे के लिए हो या चाहे 2 हफ्ते के लिए, हम हमेशा हमारी वाटर बॉटल्स या वाटर कैन लेके जाते हैं, और जहाँ पे भी हमें सही लगता है वहाँ पे हम लोग उसको फिल कर लेते हैं। इसकी वजह से हमारा वाटर बॉटल्स का खर्चा बाहर जाता है तब पूरा बच जाता है। साथ ही साथ अगर हमेशा नैपकिन हमेशा कैरी करते हैं, हम लोगों के पास हमेशा हैंडकरचिफ रहता है, जिसकी वजह से ऐसे छोटे छोटे कचरा नहीं क्रिएट होता और हम लोगों को ये सिंगल यूज़ चीज़ें खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पास एक बाइक है, एक कार है, पर अगर हम छोटे डिस्टेंसेस के लिए जाते हैं तो हमेशा हम लोग बाइक प्रिफर करते हैं, या फिर जब बारिश नहीं है तब भी अगर हम जा सकते हैं तो हम मोस्टली बाइक पे जाते हैं, क्योंकि उससे फ्यूल सेविंग हो जाता है और पेट्रोल के पैसे बच जाते हैं। जब भी लॉन्ग ड्राइव पे जाना है या कहीं दूर जाना है, बारिश आने वाली है, तो ऑब्वियसली हम लोग कार लेके जाते हैं। कभी कभी अगर काफ़ी दूर जाना है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना काफ़ी इजी है और हमें कुछ लाना नहीं है, मतलब ऐसे कुछ सामान कैरी करके आना नहीं पड़ेगा, तो हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर करते हैं, मेट्रो प्रेफर करते हैं या कभी बस प्रेफर करते हैं। इस वजह से थोड़े पैसे बच जाते हैं। जब भी हम लोगों का कोई सब्सक्रिप्शन रहता है, जैसे जिम का मेंबरशिप है सोच लीजिए, या फिर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मैंने बोला जैसे, या फिर केबल का सब्सक्रिप्शन, हम हमेशा सोचते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। जैसे केबल हमारे पास है ही नहीं क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी कोई बड़े आते हैं जिनको टीवी देखना है तब हम लोग रिचार्ज करा सकते हैं, बाकी टाइम पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जिम अगर हम जाते नहीं हैं तो हम लोग उसके लिए खर्चा नहीं करते। अगर हमें जाना है और जैसे मुझे अयंगार योगा में बहुत इंटरेस्ट है, मैं उसको सीख रही हूँ, तो इन दैट केस मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं उस क्लास के पैसे दूँ और कुछ सीखूँ। पर अगर मैं वहाँ पे नहीं जा रही हूँ तो देर इज़ नो पॉइंट कि मैं जिम का मेंबरशिप 6 महीने का लूँ, 12 महीने का लूँ, जब मुझे पता ही नहीं है कि मैं कल जाऊँगी भी या नहीं। बाय इन बल्क हम लोग ट्राई करते हैं कि जो भी चीज़ें हमें बार बार लगती है और जो हमें पता है कि एक्सपायरी डेट से पहले हम लोग ख़त्म कर पाएंगे, तो वो चीज़ें हम लोग बल्क में ख़रीदते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ी सस्ते में पड़ जाती है। ऐसे ही जो भी चीज़ें जैसे आटा वगैरह, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो भी लोकली ख़रीद सकते हैं उसको हम लोकली ख़रीदते हैं, क्योंकि क्या होता है उसकी वजह से कुछ पैसे भी सेव हो जाते हैं, अच्छी क्वालिटी का मिलता है और हमें पता है कि कहाँ से लेना है। तो ये थी सारी चीज़ें जो मैं करती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जिनसे पैसे बच जाते हैं और जिनसे टेंशन भी कम होता है, बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को। तो आप बताइए आप क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आपके लिए पैसे बचाती है, मुझे सुनने में बहुत खुशी होगी। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।